हेलो स्टूडेंट्स, आज जो अपन टॉपिक देख रहे हैं दिस इज इंटर्स ऑन ड्राइंग्स। और इंटर्स ऑन ड्राइंग्स के लिए जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं दिस इज क्वेश्चन नंबर 20A। ये आपका डीके गोयल बुक में से जो क्वेश्चन है वो अपन ले रहे हैं। तो क्वेश्चन में कुछ इनिशियल इन्फॉर्मेशन जो आपको दे रखी है, पहले इसको जरा देखें अपन। देखिए इंटर्स ऑन ड्राइंग के लिए आपको क्वेश्चन क्या दे रखा है। मिस्टर अशोक गुप्ता इज ए पार्टनर इन अ फर्म, ही विड्रॉ द फॉलोइंग अमाउंट ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च। ठीक है, 31 मार्च को ईयर एंडिंग है, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। और आपने अप्रैल 30th को ड्राइंग किया 8000 की, फिर जून 30th को किया यानी मई में ड्राइंग नहीं की, और अमाउंट भी 6000 है यानी 8000 नहीं है, सेम अमाउंट नहीं है। इसका मतलब इक्वल अमाउंट नहीं है, इसका मतलब सिंपल मेथड नहीं लग सकता, यहाँ आपका प्रोडक्ट मेथड लगेगा। तो प्रोडक्ट मेथड में आप कैसे इसका यूज करेंगे वो चीज अपन देखते हैं। तो मेथड अपना प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट मेथड क्यों है? क्योंकि हमें पता है कि इसमें अनइक्वल अमाउंट है, ठीक है ना। तो प्रोडक्ट मेथड में अगर आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना चाहते हैं तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला क्या होता है देखें। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट बाय 12 इंटू रेट अपॉन 100, ये आपका फॉर्मूला है। तो पहले प्रोडक्ट आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, बाय 12 तो आएगा ही। रेट क्वेश्चन की लास्ट लाइन में आपको गिवन है, रेट क्या गिवन है देखिए, रेट आपका 9%। प्रोडक्ट आपको गिवन नहीं है तो पहले प्रोडक्ट कैलकुलेट कर ले हम। तो प्रोडक्ट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, अमाउंट इनटू मंथ्स अप टू एंड, ठीक है। तो आपने पहली ड्राइंग कब की है, 30th अप्रैल को, और आपने कितने रुपए विड्रॉ किए हैं, 8000। 30th अप्रैल से 31st मार्च तक आपके 11 मंथ होते हैं, तो आपका प्रोडक्ट आ रहा है 8000 इंटू 11, दैट इज 88000। उसके बाद आपने 30th जून को पैसा विड्रॉ किया है, चेक करो 30th जून को आपने कितना पैसा विड्रॉ किया, दैट इज 6000। और 30th जून से एंड तक यानी 31st मार्च तक आपके मंथ जो होते हैं वो होते हैं 9, तो ये आपका हो गया 54000। उसके बाद आपने 30th सेप्टेम्बर को पैसा विड्रॉ किया है, दैट इज 5000। और 30th सेप्टेम्बर से 31st मार्च तक ये 6 मंथ होते हैं, प्रोडक्ट हो गया 30000। उसके बाद आपने नेक्स्ट विड्रॉ किया है 31st दिसंबर को, और ये आपने किया है 12000। और 31st दिसंबर से 31st मार्च तक आपके होते हैं 3 मंथ, दैट इज 36000। उसके बाद आपने 31st जनवरी को पैसा विड्रॉ किया है, कितना पैसा विड्रॉ किया है, 10000। और 31st जनवरी से 31st मार्च एंड तक कितने महीने होते हैं, दैट इज 2 मंथ, दैट कम्स 10000 इंटू 2, दैट इज 20000। ये आपने सारे प्रोडक्ट कैलकुलेट कर लिए, और इन सभी प्रोडक्ट का ये आपने प्रोडक्ट कैलकुलेट किए हैं, सभी में अमाउंट इनटू मंथ किया है, और मंथ कब तक लेने, अप टू एंड तक, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट का टोटल आपका आ रहा है 2,28,000। इस प्रोडक्ट को आप यहां पुट कर लें, प्रोडक्ट बाय 12 इंटू रेट अपॉन 100, दैट कम्स 1710, दिस इज योर आंसर, सही है। तो ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का प्रोडक्ट मेथड है, हाउ यू यूज इट, ठीक है। तो पहले आपको फॉर्मूला लिखना है, प्रोडक्ट आपको दे नहीं रखा, प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगा दें, उससे आपका प्रोडक्ट का टोटल लग जाएगा। फॉर्मूला है अमाउंट इनटू मंथ्स अप टू एंड, एंड तक महीने हमेशा लेने हैं, और ये प्रोडक्ट की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो अब देखिए सिंपल मेथड के लिए जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं, दिस इज क्वेश्चन नंबर 21B डीके गोयल में से।
ये क्वेश्चन जो है वो अभी अपन कर रहे हैं। इस क्वेश्चन में क्या है कि आपका सिंपल मेथड यूज हो रहा है, कैसे वो मैं अभी आपको समझाऊंगा। सही है, क्वेश्चन में देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन में कहता है एक्स वाई जेड आर पार्टनर इन अ फर्म, यू आर इन्फॉर्म दैट पॉइंट नंबर वन एक्स के लिए कह रहा है, एक्स ड्रॉ 4000 फ्रॉम द फर्म, एक्स 4000 विड्रॉ कर रहा है फर्म से, और फ्रॉम द फर्म एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, हर महीने विड्रॉ कर रहा है, यानी हर महीने ड्रॉइंग 4000 रुपये इक्वल अमाउंट भी है और हर महीने है, तो गैप भी एक एक महीने का जो है वो आपका चल रहा है। सही है ना, तो इसका मतलब उसने 4000 रुपये विड्रॉ किए हैं हर महीने, तो इंटू 12 उसने टोटल विड्रॉ कितना किया है 48000, उसने टोटल विड्रॉ कितना किया है 48000। अब फॉर्मूला क्या था इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का सिंपल मेथड है, फॉर्मूला था टोटल अमाउंट इंटू मंथ बाय 12 इंटू रेट अपॉन 100। टोटल अमाउंट तो हमने कैलकुलेट कर लिया, हर महीने 4000 तो टोटल हो गया 48000 इंटू मंथ बाय 12 एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, और मैंने कहा था बिगिनिंग में आपके होते हैं 6.5 मंथ्स, है ना, 6.5 मंथ जब भी बिगिनिंग में विड्रॉ करता है तो 6.5 मंथ होते हैं, और रेट आपको क्वेश्चन में दे ही रखी है, रेट है आपकी 9%। तो बिगिनिंग में हमेशा 6.5 मंथ होते हैं, और इस कैलकुलेशन को आप करोगे तो ये आपका आंसर आएगा 2340। ये हमने किसके लिए निकाली है, ये हमने निकाली x के लिए। सही है, अब जरा y के लिए देखें, y के लिए क्या कहता है, कहता है y draw 4000 from the firm at the end of every month, तो टोटल ड्राइंग तो वही 48000 हुई, 4000 पर मंथ है, एंड ऑफ द मंथ में आपको लेने हैं मंथ कितने 5.5 मंथ्स, इसलिए 5.5 डिवाइड बाय 12, और रेट आपकी वही चल रही है कितनी 9%। सही है, तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आपका आंसर आएगा 1980। ये अपन ने एट द एंड, ये एंड वाली है, ये स्टार्टिंग में हर महीने की पहली तारीख को। अब Z का देखते हैं, Z ने कब विड्रॉ किया, कहता है Z draw 4000 from the firm in the middle of every month, ठीक है, तो 4000 नहीं किया तो टोटल ड्रॉइंग तो इसकी भी 48000 ही होगी, एट द मिड किए, मिड में हमेशा कितने महीने लिए जाते हैं 6 मंथ लिए जाते हैं, और रेट आपकी वही चल रही है कितनी 9%, तो कुल मिलाकर ये आपका आंसर आया 2160। वन मार्क का क्वेश्चन है ये, वन मार्क का ईच, यानी अगर एक्स वाई जेड तीनों के पूछेगा तो 3 मार्क का क्वेश्चन बनता है। तो हमको चीज क्या याद करनी है, अपन ने समझी भी थी, हर महीने की पहली तारीख हो तो 6.5 मंथ, हर महीने के मिड में हो यानी 15th हो तो फिर आपको लेना है 6 मंथ, और हर महीने के एंड में हो तो आपको क्या लेना है 5.5 मंथ, और कुछ नहीं दे रखा हो तो हमेशा कितना लेना है 6 मंथ। तो जब मंथली ड्राइंग होती है, हर महीने होती है, स्टार्टिंग में, एंड में या मिड में होती है, उसके ये मंथ्स हैं जिनकी कैलकुलेशन हमने सीखी थी, लेकिन आपको याद भी होनी चाहिए। सही है, आगे चलें। तो अब एक क्वेश्चन जो है वो हम देखते हैं, क्वार्टरली का देखते हैं कि अगर ड्राइंग्स जो हैं वो क्वार्टरली हो रही हैं तो फिर उस पर कैलकुलेशन जो है वो आपकी कैसे होगी वो हम देखते हैं। इसके लिए हम क्वेश्चन नंबर 22 ले रहे हैं डीके गोयल का, तो अपन देखें इसको। कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ मिस्टर आदित्य एट द रेट ऑफ 8% पर एनम फॉर द ईयर एंडेड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव, केस वन दिया है, इफ यू विड्रॉ रुपी 5000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, यानी क्वार्टर के बिगिनिंग में वो विड्रॉ कर रहा है। अब क्वार्टरली का अपन ने क्या सीखा था, अपन को याद करना चाहिए पहले कि क्वार्टरली के लिए अपन ने क्या सीखा था, अगर ऑन द फर्स्ट ऑफ एवरी क्वार्टर है तो आपका आएगा 7.5 मंथ्स, अगर हर क्वार्टर की शुरुआत में है, अगर मिड ऑफ एवरी क्वार्टर है तो ये 6 मंथ आएगा, ध्यान रखना मिड में हमेशा 6 मंथ ही आता है, ठीक है, और कुछ नहीं दे रखो तो भी हम एज्यूम क्या करते हैं कि ये 6 मंथ है। सही है, और अगर एंड में आया तो ये आपका आएगा 4.5 मंथ। तो ये तीन ड्यूरेशन जो है वो आपको याद करनी है, और अगर कुछ नहीं दे रखा हो तो मिड तो आपको याद रखना ही है, वो तो हमेशा 6 मंथ ही होता है। सही है,
तो अब बिगिनिंग में किया तो हमें कितना लेना है, 7.5 मंथ लेना है। कहता है इफ ही विड्यू 5000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, देखो साल में क्वार्टर होते हैं चार, तो 5000 हर क्वार्टर में अगर वो विड्रॉ करेगा तो चार क्वार्टर में कितना कर लेगा, 20000। तो 20000 की टोटल ड्रॉइंग है। रेट क्वेश्चन में आपको दे रखी है 8% पर एनम, इसलिए 8/100, और मंथ जो है आपको बिगिनिंग है, इसलिए अपन को क्या लेना है, 7.5 मंथ्स, तो ये आ जाएगा 7.5 मंथ्स। इसको आप सोल्व करेंगे तो आपका आंसर जो आएगा वो आएगा 1000 रुपीज, ये बिगिनिंग के लिए। सेकेंड हम लेते हैं, सेकेंड है इफ ही विड्यू 6000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, अब एंड में ले रहे हैं और एंड के लिए हमने याद किया था 4.5 मंथ, 6000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, क्वार्टर होते हैं चार, तो 6000 इंटू फोर टोटल ड्रॉइंग आपकी हो गई 24000। इसका मतलब 24000 रेट आपकी 8% ही है, 8/100, और मंथ एंड है और एंड पे लेते हैं 4.5 मंथ, तो 4.5 डिवाइडेड बाय 12, ये आपका आ जाएगा 720, ये एंड का भी हो गया। अब लास्ट थर्ड, इफ यू विड्रू 10000 ड्यूरिंग द मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर, 10000 की विड्रॉ कर रहा है, कब कर रहा है, मिडिल में कर रहा है, क्वार्टर चार होते हैं तो टोटल ड्रॉइंग कितनी हो जाएगी, 40000। तो 40000 का ड्रॉइंग है, रेट वही 8% है, तो 8/100, और आपके मिडिल में कर रहा है, और मिडिल के लिए कितने मंथ होते हैं, 6 मंथ, तो ये 6 मंथ से जो है वो आपका सॉल्व होगा, और इसका जो आपका आंसर आ रहा है वो आ रहा है 1600। तो इस तरीके के इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के क्वेश्चन में या तो आपका जो है प्रोडक्ट मेथड लगेगा इस तरीके से, आपको प्रोडक्ट कैलकुलेट करना पड़ सकता है इस तरीके से, अमाउंट इनटू मंथ अप टू एंड, या फिर आपका सिंपल मेथड लगेगा। सिंपल मेथड में ये अपने जो क्वेश्चन किया था इसमें आपकी मंथली ड्राइंग्स थी, सही है, और या फिर आपकी ड्राइंग्स जो हैं वो क्वार्टरली होंगी, जिनमें कि आपको इस तरीके से सिंपल मेथड जो है वो आप यूज करेंगे, सही है। तो पूरा टॉपिक बहुत आसान है, दो ही मेथड आपके सिंपल और प्रोडक्ट, उनको आप इजीली जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। मेथड को एक बार पहचानना पड़ेगा और देन फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, और कुछ भी नहीं है। ओके, थैंक यू।